नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आपके भगवंत मान होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। क्या सिर्फ विपक्षियों के लिए है कोरोना गाइडलाइन? बीजेपी के जुलूस चुनाव आयोग की नजरों से दूर क्यों? तीसरी खबर यूपी से, चुनाव में नहीं लगेगी शिक्षा मित्र आंगनबाड़ी वर्कर्स की ड्यूटी। जेएनयू में पीएचडी छात्रा से छेड़छाड़, युवक पर मामला दर्ज। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में 230 दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज। आम आदमी पार्टी ने आज पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में भगवंत मान को अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लंबे समय से लोग उनसे ये सवाल करते थे कि आपका सीएम उम्मीदवार कौन होगा। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते पहले पार्टी ने एक मोबाइल नंबर जारी किया था और पंजाब की जनता से इस पर उनकी राय मांगी थी। इस पोल में कुल 21 लाख लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से 93.3% लोगों ने भगवंत मान को पसंदीदा उम्मीदवार बताया। साथ ही ये भी बता दें कि चुनाव आयोग ने पंजाब चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। अब पंजाब में वोटिंग 20 फरवरी को होगी, पहले पंजाब में 14 फरवरी को वोटिंग होनी थी। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक और चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की। चुनाव आयोग ने कहा है कि शिक्षा मित्र और आंगनवाड़ी वर्कर्स को चुनाव की ड्यूटी में सबसे पहले नहीं लगाया जाएगा। बढ़ते कोविड प्रसार को देखते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई जाएगी, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तभी शिक्षा मित्र और आंगनवाड़ी वर्कर्स की ड्यूटी लगेगी। चुनाव आयोग ने कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए 22 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी है, मगर पार्टियां इसके बावजूद अलग अलग जगहों पर सभाएं कर रही है। इस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की है, मगर एक तरफ जहां सपा के 2500 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर लिया गया है, वहीं बीजेपी की रैलियों और सभाओं में होने वाली भीड़ पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर भेदभाव का आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं इस पर वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा का क्या कहना है। सबसे पहले दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश का रुख करने चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर अमरोहा के भाजपा के विधायक महेंद्र खड़गवंशी ने जुलूस निकाला और आप इस वीडियो में देख सकते हैं हजारों की तादाद में वहां लोग निकल पड़े और ये जो रैली है इस पर अभी सिर्फ अमरोहा पुलिस ने संज्ञान लिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर करारा हमला चुनाव आयोग पर बोला है। उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम कार्यालय पर पूरी पाबंदी और गाड़ियों के चालान भी, लेकिन कुछ दिनों के बाकी बचे मुख्यमंत्री व अमरोहा के भाजपा प्रत्याशी आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम मजाक उड़ा रहे हैं। निर्वाचन न्याय को सुरक्षित करना चुनाव आयोग का परम धर्म है, कोई है करारा हमला बोला है। दोस्तों मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा, दोस्तों आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नोएडा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, नोएडा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर FIR दर्ज कर दिया है, मगर अमरोहा पुलिस अभी सिर्फ संज्ञान ले रही है। देखिए अपने स्क्रीन पर, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी इस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने क्या बोला है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चुनाव आयोग ने 300 लोगों के घर के अंदर मीटिंग की अनुमति दी है। कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए श्री भूपेश बघेल जी ने पंखुड़ी पाठक जी के समर्थन में नोएडा विधानसभा के ग्राम सरौखा में डोर टू डोर कैंपेन किया और उसके लिए वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों वो वीडियो फिर से मैं आपको दिखला रहा हूं, जिसमें जो है भूपेश बघेल अपने समर्थकों के साथ जो है प्रचार कर रहे हैं। इसी तस्वीर को संज्ञान में लेते हुए FIR दर्ज कर दी गई है। और अब आपके सामने अमरोहा में खड़गवंशी साहब खड़ग लेकर निकल पड़े हजारों लोगों के बीच में। इस मुद्दे को लेकर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी भी हमला बोल रही है। आपको याद होगा चाहे लोकसभा चुनाव हो या कई राज्यसभा चुनाव, लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। चुनाव आयोग को यही तो कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खुलेआम
चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, मगर जब विपक्ष की बारी आती है तो अचानक चुनाव आयोग जाग जाता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के कैंपस में PhD की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी ने छेड़छाड़ के बाद छात्रा का मोबाइल भी छीन लिया। इसके बाद जब छात्रा ने शोर मचाया तो आरोपी JNU के अंदर ही बाइक से भाग गया। पुलिस के मुताबिक JNU में छात्र के साथ छेड़छाड़ की शिकायत मिली थी। इसके बाद कैंपस में इलाके के DCP और SHO पहुंचे। पुलिस के मुताबिक मामला 17-18 जनवरी की रात का है। JNU कैंपस के ईस्ट गेट रोड पर छात्रा के साथ आरोपी ने छेड़छाड़ की। आरोपी बाइक पर था, वह कैंपस के अंदर ही छात्र के साथ छेड़छाड़ करने लगा और उसने छात्रा का फ़ोन भी छीन लिया। छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। नज़र डाल लेते हैं कोविड के नए आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 2,38,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 310 लोगों की मौत हो गई है। इन नए मामलों की वजह से देश में इस वक्त 230 दिन में सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीज़ हैं। पूरे देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 17 लाख के पार पहुंच गई है। साथ ही ओमिक्रॉन के मामले भी 8,800 से ज़्यादा हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के ज़्यादातर मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही हैं। देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर घटकर 94.09% हो गई है। वहीं वैक्सीन की बात करें तो अब तक देश भर में कोरोना वैक्सीन की 158 करोड़ से ज़्यादा डोज दी जा चुकी हैं। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। न्यूज़क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।